हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तनया और मैं हूँ अभिनव और हम अरवाइन कैलिफोर्निया में रहते हैं और ट्रैवलिंग एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। सो जैसा आपने टाइटल के अंदर देखा होगा, हम लोग अपना वर्क स्टेशन जो है उसको सेटअप करने लगे हैं। एक्चुअली मेरा वर्क ऑफिस सेटअप करने वाले हैं। जैसे आप लोग को पता है कि कोविड पैंडमिक जब से स्टार्ट हुआ, हम सबको एक वर्क फ्रॉम होम मोड में ट्रांजिशन करना पड़ा। बट ये सब जब स्टार्ट हुआ था तो इतनी जल्दी हुआ कि हमें जो मिला, जो हमारे पास था, जो हमें इजीली अवेलेबल था, उससे हमने अपना होम ऑफिस सेटअप किया। लेकिन अब लगता है कि ये वर्क फ्रॉम होम मोड काफ़ी टाइम तक रहने वाला है। तो हमने सोचा कि अपने वर्क ऑफिस को या अपने घर पे जो हमारा होम ऑफिस है उसको ऐसे सेटअप किया जाए जिससे वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए और ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो। सो टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी, लेट मी शो यू और लाइक तन्या विल गो थ्रू ऑल द स्टफ दैट शी हैज राइट नाउ कि क्या क्या चीज़ें हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं। सो बेसिकली हमने उसके लिए पहले कुछ एक पॉइंट्स नोट डाउन किए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि उसके बेसिस पे हम लोग उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो जो सामान चाहिए थे वो सारे हमने ऑर्डर कर दिए हैं ऑलरेडी। बहुत सारे पार्सल्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे पार्सल्स आ रखे हैं। सो वील अनपैक देम, बट दिस इज नॉट एन अनपैकिंग वीडियो। सो बेसिकली हम लोग बस उनको अनपैक करेंगे एंड वील असेंबल देम इन द न्यू स्पेस। सो अभी के लिए तन्या विल वॉक यू थ्रू कि क्या क्या चीजें अभी हैं और वो क्यों है वहां पे। बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड नहीं है बट है वहां पे, मेरे को भी नहीं पता क्यों है। शी विल एक्सप्लेन यू बेटर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये मेरा ऑफिस स्पेस है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है मेरे इस वर्क स्पेस में। तो ये मेरा वर्क टेबल है बेसिकली। तो ये मेरा विंडोज का लैपटॉप है, ऑफिस का लैपटॉप है। और सिमिलरली मेरे पास एक ऑफिस का मैकबुक भी है क्योंकि मुझे कभी विंडोज पे कभी मैकबुक पे काम करना होता है। लेकिन मेरे पास मॉनिटर एक ही है, तो मुझे जब विंडोज पे काम करना होता है मुझे इसकी वायर निकाल के इस लैपटॉप में कनेक्ट करनी होती है। और सिमिलरली जब मुझे मैकबुक पे काम करना होता है तो इसकी वायर फिर मुझे मैकबुक पे कनेक्ट करनी पड़ती है। तो एक मेरा जो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट ये था कि मुझे विदाउट स्विचिंग द वायर्स I should be able to connect to any laptop with this monitor. और ये है मेरा Bluetooth keyboard, जिसकी keys थोड़ी सी hard है, तो मुझे ये भी एक अच्छा keyboard चाहिए था। और ये अगर आप देख सकते हो, ये इतनी यहाँ पे wiring है thanks to इतने सारे laptops और monitors. तो ये थोड़ा मुझे बहुत क्लटर्ड स्पेस लगती है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं इन सारी वायर्स को नीचे रखूं और या नीचे इनको शिफ्ट कर दूं तो भी वो बहुत ही अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ज़्यादा क्लटर्ड ही लगता है। और वायर ये सब वैसे ही हैंग कर रही है, ये और हैंग कर रही होती। तो इसके लिए ये एक और रिक्वायरमेंट थी मेरी कि ये स्पेस को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूँ सो दैट ये इतना क्लटर्ड ना दिखे। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या है यहाँ पे है डस्टबिन। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो स्ट्रेंजर थिंग्स एक सीरीज थी नेटफ्लिक्स पे, उसमें ये कैरेक्टर था डस्टबिन। तो ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत क्यूट लगता है, तो इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है। और हमारे गणपति जी तो हैं ही। और मूविंग ऑन, ये मेरा पर्सनल वर्क स्पेस है। तो जैसे हम सारा कुछ भी और कुछ काम करना होता है तो हम अपने ऑफिस के लैपटॉप्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो ये मेरा अपना पर्सनल मैकबुक है। लेकिन इसमें एक या प्रॉब्लम है कि अगर मैं इस मैकबुक को ओपन करती हूँ, सिंस मेरे पास कीबोर्ड नहीं है मैक का, तो मुझे ये स्क्रीन जो है जिसको मैं कनेक्ट करती हूँ उस मैकबुक से, ये पूरी आधी कवर हो जाती है। तो मुझे ये स्पेस भी ऐसे ऑर्गेनाइज करना था सो दैट आई कैन यूज़ बोथ द मैक एंड द स्क्रीन टुगेदर, क्योंकि हम दोनों इतने कॉफ़ी लवर्स हैं, हम पूरे दिन कॉफ़ी पीते रहते हैं। एंड एज यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे रखे भी हैं कॉफ़ी मग्स। तो ये क्या होता है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा अभिनव का, जब से वो हुआ है, वी विल लिंक दिस वीडियो अप, एंड ही ड्रॉप्ड कॉफ़ी ओवर हिज मैकबुक एंड इट जस्ट स्पॉइल्ड द होल मैकबुक। तो मुझे तब से थोड़ा डर लग गया है कि अपने ऑफिस के लैपटॉप्स को भी और अपने पर्सनल लैपटॉप को भी थोड़ा सा सेफ रखा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए सो दैट पे कॉफी स्पिल ना हो जाए।
तो इसलिए ये भी एक मेरी रिक्वायरमेंट थी कि इसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे लैपटॉप सेफ रहे एंड दे डोंट लाइक कॉफी पे गिर ना जाए. बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट्स अभिनव ने बहुत कुछ मेरे लिए ऑर्डर कर दिया है और मुझे तो इन पैकेजेस में क्या क्या है मुझे ये पता भी नहीं है. मोस्ट ऑफ देम नहीं पता है तो इट्स अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल. तो लेट्स सी. एक बास्केट स्पेस है, इसको मैं टेबल के पीछे ऐसे करके सेट कर दूंगा. सो ऐसे करके अगर मैं सेट कर दूंगा इसको तो आइडिया है इसकी जो बायर्स हैं और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो इसके अंडर आ जाएंगी. सो दैट विल नॉट कम अप इन फ्रंट ऑफ यू. टेबल के नीचे लगाया है एक बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर बेसिकली सारी वायर्स और सब कुछ जितने भी पावर सप्लाई की चीज़ें हैं वो सब अडैप्टर्स वगैरह वो सब इसके अंदर आ जाएंगे. ये एलईडी लाइट्स की स्ट्रिप्स हैं. सो ये तो इसको स्टैंड करने के बाद फिर उसके बाद नीचे स्टिक कर दूंगा इसको मैं. लेकिन आई एम सो हैप्पी. अब इतना ऑर्गेनाइज हो गया है मेरा वर्क स्पेस बट ये रात को और भी अमेजिंग लगता है. सो लेट मी शो यू. तो अब देखिए ये कितना अमेजिंग लग रहा है. इट लुक्स सो मच बेटर नाउ राइट. तो अब इस ये पूरे सेटअप की सारी डिटेल्स अभिनव देंगे एंड लेट मी गो बिहाइंड द कैमरा नाउ. सो बेसिकली मैं इसकी सारी डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं. आई विल शो यू जस्ट द मोटा मोटा पार्ट जो तनिया की इनिशियल रिक्वायरमेंट थी कि वो सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या किया. सो कैमरामैन मूव है. सो ये तनिया का विंडोज लैपटॉप था एंड हर रिक्वायरमेंट वॉज कि एक ही स्क्रीन है और दोनों लैपटॉप्स को यूज करना था कनेक्ट करने के लिए. सो बेसिकली हमने क्या किया है यहाँ पे एक HDMI स्प्लिटर है. If you can see that, so ये जो है ये दोनों screens, दोनों laptops को एक screen से connect कर रखा है. And the moment I press this button, it switches the screens. So अब ये Windows से connect हो गया है. And the moment I press it, it's back to Mac. So Mac से connect हो जाएगा. तो anytime कोई सी भी screen पे करना है
ये मैकेनिकल एलियनवेयर का कीबोर्ड है. सो इसको यूज करने के लिए जो तनिया को उस वाले ब्लूटूथ वाले के साथ प्रॉब्लम थी कि उसके कीज बहुत ज्यादा फंस रहे थे या क्या प्रॉब्लम थी, वो इससे सॉल्व हो जाएगी. इट इज लाइक रियली स्मूथ टू वर्क ऑन. और इसका पूरे को सेटअप को जो इसका फाइनल एक्सपीरियंस है वो तनिया बाद में कभी शेयर करेगी कि सच में इसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ. एंड ये केबल्स को मैनेज करने के लिए केबल होल्डर यहाँ पे फिक्स कर रखा है. सो एनी टाइम यू वॉन्ट टू चार्ज योर, ये वॉच का चार्जर है बेसिकली, एप्पल वॉच का चार्जर है. तो इसको यहाँ पे पुल किया, वॉच चार्ज करी एंड देन यू कैन पुल इट बैक अगेन. तो ये गिरेगा नहीं. ऐसी सेम गोज फॉर योर मोबाइल चार्जर, एयरपॉड चार्जर बेसिकली. तो इससे आप चार्ज करो एंड देन कीप इट डाउन. ये तनिया का डस्टबिन इज स्टिल देयर. और ये यहाँ पे फॉर दिस पर्सनल सेटअप के लिए वी हैव यूज्ड दिस मैक का ही एप्पल का ही कीबोर्ड लगा दिया है. ये अगेन इज अ ब्लूटूथ कीबोर्ड बट इस पे काम करने के लिए ठीक है. एंड देन दिस इज अगेन एन एप्पल माउस. सो ये सेटअप कर दिया है. और ये जो है ये वायरलेस चार्जिंग स्पॉट है, क्योंकि फोन को चार्ज करने के लिए यू डोंट नीड अ केबल टू चार्ज इट. आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो. एंड देन योर एयरपॉड एज वेल, अगर आपको एयरपॉड चार्ज करना है तो वो भी इसके ऊपर रखोगे तो वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जो डर था कि कीबोर्ड के ऊपर कहीं पानी या कॉफी ना गिर जाए, उसके लिए वी हैव यूज्ड द स्टैंड. स्टैंड के ऊपर लगा दिया है इसको. और जैसा कि पहले तन्या ने बताया कि यू डोंट हैव दैट स्लॉट, HDMI स्लॉट, तो आपको USB-C को HDMI कन्वर्ट करना पड़ता है. तो वहां पे हमने एक इस वाले मैक के लिए हमने डोंगल यूज किया है, बट फॉर दिस वन वी हैव यूज्ड दिस एक्सटेंशन. तो ये भी एक तरह का डोंगल ही है, बट इसके अंदर क्या है कि HDMI के साथ साथ USB और नॉर्मल USB और माइक्रो कार्ड रीडर्स, वो सारे स्लॉट्स हैं इसके अंदर. और इसको कैरी करना थोड़ा आसान है क्योंकि ये इसी के साथ ही असेंबल हो जाता है. आई डोंट नो व्हाई एप्पल अपने साथ ये सारे स्लॉट्स नहीं देता है. सो हाँ, ये सारा सेटअप है. और ये अगेन दिस इज रेजर, एक कंपनी है, उसका माउस है. ये हमारे पास एक स्पेयर रखा हुआ था तो वो तनिया के साथ जुगाड़ लगा दिया. हर चीज नई नई आएगी. So that's it. I think this is pretty much. और नीचे की केबल्स जो हैं, उनको मैनेज करने के लिए ये सारी केबल्स जो हैं, वो हमने एक स्टैंड लगा दिया है टेबल के नीचे. तो सारी केबल्स ऊपर ही हैं, नीचे जब बेंड हो रहे हैं तभी दिखाई दे रही है. इफ यू आर गेटिंग अप सो यू वॉन्ट बी एबल टू सी दैट. एंड व्हाट अबाउट द LED लाइट्स? हाँ, आई फॉरगॉट अबाउट. तो हाँ, ये LED लाइट्स हैं. और these are just LED lights. I don't know what to explain about them. कुछ इसके थोड़े एडवांस फीचर्स हैं, वो तन्या थोड़े ज्यादा डेमो करके बताएगी क्योंकि शी इज एंजॉयिंग दैट स्टफ. सो तन्या, तो फर्स्ट थिंग इन LED लाइट्स के लिए आई वॉन्ट टू से कि ये मुझे और पुश कर रहे हैं टूवर्ड्स स्पेंडिंग मोर टाइम हियर. तो अभिनव का तो ये पूरा पर्पज सॉल्व हो गया है थैंक्स टू दीज LED लाइट्स. और उसका एक और अमेजिंग फीचर है, सो लेट मी डेमो दैट टू यू. सो हे गूगल, सेट द लाइट टू रेड. सो हाँ, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें. एंड अगर आपको ऐसे वीडियोज जो हम लोग कंटेंट बना रहे हैं, अगर आपको ऐसे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आर चैनल. वील सी यू इन आर नेक्स्ट वीडियो. Till then, and please let us know in the comments अगर आपको ये office setup अच्छा लगा and आप लोग कैसे अपना office घर पे setup कर रहे हो. Please let us know down in the comments.